सूरज हत्याकांड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मौत के कारण की पुष्टि ना होने के चलते पुलिस प्रशासन ने न्यायालय से अनुमति लेकर मृतक का विसरा फॉरेंसिक लैब रुद्रपुर को भेज दिया। इधर मृतक के परिजन आज दोपहर से सूरज हत्याकांड के खुलासे को लेकर आईटीबीपी के मुख्य द्वार के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सूरज सक्सेना की मौत के मामले में शव को पूरी तरह क्षत विक्षत होकर खराब हो जाने के चलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण की पुष्टि नहीं हो सकी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मृतक सूरज के सुरक्षित रखे गए विसरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल से अनुमति प्राप्त कर शुक्रवार को विसरा फॉरेंसिक लैब रुद्रपुर को भेज दिया, जहाँ से एक सप्ताह बाद सूरज की मौत के कारण का पता लग जाएगा। पुलिस ने शुक्रवार को भी तमाम क्षेत्रों में जाँच एवं सूरज के साथ भर्ती हुए युवकों से पूछताछ की, परंतु स्पष्ट रूप से जानकारी कहीं नहीं मिल पाई। हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से नाराज परिजन आईटीबीपी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। आईटीबीपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। धरना प्रदर्शन के दौरान मृतक सूरज के परिजन ने कहा कि उन्हें आईटीबीपी के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनका यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिल जाता और असल कातिल फांसी के तक नहीं पहुंच जाते। वही परिजनों ने यह भी कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा भाई 15 तारीख को राखी बंधवा कर 16 तारीख यहाँ पे उसका फिजिकल होना था, वो उसके लिए आ रखा था। 16 तारीख को उसकी हत्या करके उसके शव को कहीं झाड़ियों में फेंक दिया गया और वो शव कहीं और नहीं इसी परिसर के अंदर था और हमारे परिवार को गुमराह किया गया कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से भाग चुका है। उसको बुरी तरह से मारा गया, लाठियों से, जूतों से और घूसों से उसको मार के उसको ख़त्म करके उसकी बॉडी को पूरी तरीके से गलाने की कोशिश की गई। पिछले दो दिनों से इन लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। इस पर सर जता रहे हैं पूरी तरीके से, ये पूरा का पूरा आईटीबीपी के जितने सैनिक यहाँ पे तैनात थे, जो लोग उस समय भर्ती की एंट्री ले रहे थे, उन्हीं लोगों ने ऐसा किया है और ऐसा हम लोगों को बोला बताया गया कि वो यहाँ से भाग चुका है। सभी लोगों ने आकर के बाहर ढूंढा है, जंगल में ढूंढा है, जिन लड़कों ने उन्होंने देखा है, गाँव के लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने इनको मारा है, मार करके पता नहीं कहाँ उसको फेंक दिया है। और जब 18 तारीख को जब उसका शव मिला है तो वो इस हालत में मिला है कि वो पहचान में नहीं आ रहा है, उसकी पूरी बॉडी में कीड़े पड़ चुके हैं। क्या मांग करते हैं आगे? हम मांग ये कर रहे हैं कि सिर्फ इन 6 लोगों के लिए पूरी की पूरी भारत की जो डिफेंस है उसको बदनाम मत कीजिए, उन 6 लोगों को फांसी की सजा दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। पिछले 6 दिनों से हमें गुमराह किया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फिर हम उसका कुछ करेंगे, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी पुष्टि नहीं हो रही है। हमें उसकी कॉपी तक नहीं दी गई है कि आप इसकी कॉपी को देख लीजिए। हमें संतुष्ट है आप लोग? हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, वो सिर्फ हमें घुमा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, वो हमें इतने दिनों से गुमराह किए जा रहे हैं, वो हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सर हमारा बेटा सीधा सीधा 15 तारीख को घर से निकला है बहन को राखी बंधवा के और यहाँ सुबह को उसकी 16 तारीख को दौड़ थी, दौड़ में निकला है, क्वालिफाई किया है इन्होंने हमें पेपर भी दिखाया, ये हमने क्वालिफाई किया है और अभी कहीं भाग गया है, आ जाएगा तो हम उसको क्वालिफाई अंदर कर देंगे, ये हमको कहा गया है जब हमने तलाश किया यहाँ तब। और अभी तक अंदर सब कुछ होने के बाद आप सब देख ही रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है, लाश अंदर मिल रही है, सब कुछ अंदर मिल रहा है, इतने दिनों के बाद भी अभी भी कोई किसी भी तरह की हमको कुछ भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, ना कोई गिरफ्तारी कर रहे हैं, ना किसी को गिरफ्तारी करके दिखा रहे हैं, ना कोई नाम दिखा रहे हैं। हमारा बच्चा इतनी दूर आया है, हमारा ठोस सबूत कहाँ से रखा है? सच्चाई उसमें उसमें सच्चाई कुछ नहीं बताई जा रही है। क्या मांग करते हैं? सर हम ये मांग हमारी क्या है, हमें तो न्याय चाहिए, हमारे बच्चे के लिए न्याय होना चाहिए और उन्हें फांसी पे चढ़ाना चाहिए और हमें गुमराह भी किया जा रहा है। 5 दिन का टाइम पुलिस प्रशासन ने हमको दिया था कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, कातिलों को अंदर करेंगे। आज 6ठा दिन है, पुलिस सिर्फ पूछताछ हमसे कर रही है, सूरज के कातिलों से कोई पूछताछ नहीं हुई है। आज सूरज के कातिलों की पेशी थी और हमारे जो दो गवाह हमारे पास हैं उनको पहचान के लिए बुलाया गया था। हमारे दोनों गवाहों को बाद जब हम लेके पहुंचे तो पुलिस ने साफ मना कर दिया कि क्या नाम इसका वो आईटीबीपी के परिसर अफसर अंदर थाने आने को मना कर रहे हैं, अंदर ही मतलब जो भी पहचान होगी अंदर ही आके करें। और पुलिस प्रशासन हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, जो कर रही है हमसे ही कर रही है। आप और गवाह ढूंढो, गवाह की ज़रूरत क्या है ये बताओ, इतने लोगों ने देखा है कि टोकन के चक्कर में
आईटीबीपी के अफसरों के साथ उसकी किसी बात को लेकर झड़प हुई, उसको लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा गया। उसने अपने दोस्त को बताया मेरे को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, उसके एक कान से खून निकला था, पीछे ब्लीडिंग हो रही थी। उसके दोस्त ने ये भी बताया, पुलिस को बताया और पूरे गांव वालों को बताया। पुलिस को और क्या चाहिए, जो 17 आदमी ड्यूटी पे उनको वो अपने थाने ला के पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? क्या रणनीति बना रहे हैं? रणनीति ये बना रहे हैं, हमको न्याय चाहिए, कातिलों को बाहर निकालो। 4-5 कातिल 6 कातिलों की वजह से पूरी आईटीबीपी पूरी इंडियन आर्मी को बदनाम मत करो। हमारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा बच्चा कोई आतंकवादी नहीं था, तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने आया था जिसको तुमने इतनी बुरी तरह मारा है। हमें न्याय दो, उसको ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाया गया है, जब वो नहीं बचा है तो इन्होंने उनके हाथ पांव फूले हैं। इन्होंने कैसे ना किसी तरह से करके उस पे ऐसे ऐसे केमिकल डाले गए हैं जिससे उसकी बॉडी सड़ी है, उसकी बॉडी में भारी मात्रा में कीड़े निकले, कीड़े बिल्कुल भी साफ, डॉक्टरों ने साफ करने की बहुत कोशिश की, कीड़े बिल्कुल वो नहीं हुए।